लंबदंड गोलपिड धरपकड़ प्रतियोगिता एंटी इंग्लिश मूवमेंट चलाया यूपी में अंग्रेजी हटाओ अंग्रेजी हटाओ तो नेहरू जी ने कहा हम उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे बड़ा प्यारा डिसीजन था उनका बहुत मुझे लोगों ने कहा हिंदी में बना क्यों एक्सक्यूज मी सर गॉड ब्लेस यून डॉलर सर वन डॉलर सर चीज किसी की भी हो अगर अच्छी है हमारे आप देखो नेशनलिज्म का सेंटीमेंट क्यों कमजोर है हमने आज तक अपनी हमारे पास कोई अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर कर पाया जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो यह मुद्दा उठा दो मुद्दे उठे एक ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेज का का एक नेशनल तो नेहरू जी ने कहा कि सारी लैंग्वेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल लैंग्वेज लैंग्वेज कोई नेशनल अगर हम कोई लैंग्वेज नेशनल डिक्लेयर करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी दैट विल विल बी बी अ अ बायसनेस बायसनेस टुवर्ड्स टुवर्ड्स द अदर लैंग्वेजेस इट द अदर लैंग्वेजेस तो हम ऐसा नहीं करेंगे फिर बोलता है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का तो नेहरू जी ने कहा हम उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे बड़ा प्यारा डिसीजन था उनका पर हमारे यहां के एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल्स बोले उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है मुसलमानों की कौन सी लैंग्वेज किसी लैंग्वेज पे किसी धर्म का पेटेंट थोड़ी है राजा राम मोहन रॉय अरेबिक शियन लैटिन इंग्लिश जॉबन लैंग्वेज जानना तो अचीवमेंट है सर और उर्दू वैसे भी अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कैंपों में पैदा हुई थी इट्स इंडियन लैंग्वेज और उसके वर्ड्स नवाजिश मोहब्बत हाँ उर्दू नहीं बोलेंगे नेहरू जी का मत बोलो ठीक है भैया सोचते हैं उधर पाकिस्तान ने 1948 में उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया अब जो चीज पाकिस्तान करेगा वो हम कर नहीं सकते तो ये वो भैया हिंदी को बनाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज बोले ठीक है बना लो हिंदी वॉज इन इवॉल्विंग स्टेज इवॉल्व कर रही थी हिंदी फिर ये ओवर एंथिया हिंदी वर्ल्ड पीपल इन्होंने कहा हिंदी को हम प्योरिफाई करेंगे एक नॉर्थ इंडिया में प्यूरिफिकेशन मूवमेंट चला हिंदी को प्योरिफिकेशन की ऑल द वर्ड्स विच हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस हम उनको रिमूव करेंगे फिल्टराइजेशन करेंगे जैसे रेलवे स्टेशन अब है तो इंग्लिश का वर्ड लेकिन हम उसे हिंदी में यूज करते हैं बोले हाँ ना ना हम इसको बाहर निकाल के प्योर हिंदी वर्ड रखेंगे भग भग अड्डा रिक्शा बोले ती वाहक ट्रेन कितना छोटा सा इंग्लिश वर्ड है इट इज अंडरस्टूड बाई एवरी वन आप तमिलनाडु में जाओगे ट्रेन बोलोगे तो भी लोग समझेंगे लौहपथ गामिनी सबसे बड़ा बवाल हो गया क्रिकेट लंब दंड गोल पिंड सर आधा नाम है ये लंबदंड गोल पिंड धरपकड़ साउथ इंडियन स्टेट स्पेशली तमिलियन इंडियंस तब उन लोगों ने विचारों ने हिंदियों हिंदी के खिलाफ आवाज उठाई कि नहीं करेंगे हम समझदारी को पढ़ाना है सर देश को बचाना है यही एक दुनिया में एक देश है जापान। उसकी आप एजुकेशन पॉलिसी पढ़िए 1867। 1867 में जापान एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया उसको पढ़िए आप हैरान हो जाएंगे सर उस एजुकेशन पॉलिसी का जो पहला पॉइंट है वो क्या है कंपलसरी एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स सबको पढ़ाओ लड़का को भी पढ़ाओ लड़की को भी पढ़ाओ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी मीडियम क्योंकि उनको पता था कि सारी जो डेवलपमेंट हुई है पिछले सौ साल में वो अंग्रेजी भाषा में ही संकलित हैं तो बच्चों को अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है हम क्या करते हैं हम एक एक्सट्रीम पर रहते हैं हिंदुस्तानी ज्यादातर या तो हम पूरा पाश्चात्य में चले जाएंगे या हम पूरा पूर्व में चले जाएंगे नहीं सर हमें इस वेस्ट और ईस्ट का एक बड़ा अच्छा एडजस्टमेंट करना है जापान की तरह सर चीज किसी की भी हो अगर अच्छी है उसे अडॉप्ट कर लीजिए उसमें कोई कंडीशन मत रखिए ये तो अंग्रेजों की है ये मुसलमानों की है ये हिंदुओं की है नहीं सर दिल्ली में तो साउथ एक्स में साउथ एक्स छोड़ो आप चले जाओ रामकृष्ण मिशन उसके नाम पर मेट्रो भी है वहां जो भिखारी बैठते हैं बड़े सारे फॉरनर्स आते हैं ना उस <coughs> पर पहाड़गंज के एरिया में इंग्लिश बोलते हैं भिखारी एक्सक्यूज मी सर गॉड ब्लेस यू वन डॉलर सर वन डॉलर जिस व्यक्ति ने जिस समाज ने जिस राष्ट्र ने परिवर्तन को नहीं समझा और उस परिवर्तन को अडॉप्ट नहीं किया उनका पतन हुआ आपकी आंखों के सामने देखो किसे जरूरत नहीं है हमारे यूपी बिहार में मुझे आज भी याद है 1994 या 95 की घटना है मैं इलाहाबाद में था मुलायम सिंह यादव जी सीएम थे उस वक्त और एंटी इंग्लिश मूवमेंट चलाया यूपी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़कों ने <coughs> अंग्रेजी हटाओ उन्नीस सौ की घटना है शायद अंग्रेजी हटाओ लिबरलाइजेशन के बाद और उसका खामियाजा यह हुआ कि इलाहाबाद सिविल सेवा के केंद्र के रूप में खत्म हो गया मुलायम सिंह यादव जी सीएम थे वो तो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता जो कहेगी वो कर देंगे उन्होंने यूपी से इंग्लिश कंपलसरी पेपर हटवा दिया कहा ठीक है इंग्लिश पेपर नहीं होगा और आज हिंदी मीडियम का रिजल्ट आईएएस में अंग्रेजी तो हमारी बाइंडिंग फोर्स है अभी तुम यूपी से हो तुम्हें तमिलनाडु कैडर मिल जाएगा कैसे इंटरैक्ट करोगे मैंने एनसीआरटी का कोर्स बनाया इंग्लिश में बहुत मुझे लोगों ने कहा हिंदी में बना क्यों बेसिक इंग्लिश नहीं जानते और किसी भाषा को जानना बुराई है इंडियन डेलीगेशन बाहर जाएगा तो कम से कम एक इंटरेक्शन का मीडियम तो होना चाहिए तो कोई ऐसी भाषा हो जो ग्लोबल स्तर पर मान्यता रखती हो ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर शासन किया तो अंग्रेजी एक ग्लोबल मान्यता प्राप्त भाषा है 1867 में जब जापान में रिफॉर्म्स शुरू हुए तो आप उनका रिफॉर्म्स देखिए मैं आपको बड़ा प्यारी कहानी है जापान के मुल्क की कहानी सुनाऊंगा जापान की 1867 में जब जापान में रिफॉर्म शुरू हुए तो उन्होंने इंग्लिश कंपलसरी कर दिया क्योंकि तो उनको पता था कि जितनी भी नई नई किताबें हैं चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो चाहे वो इकोनॉमी से जुड़ी हो सब इंग्लिश में है फिर धीरे धीरे उन्होंने जब उनकी जनरेशन मैच्योर हो गई और आत्मसात कर लिया तब उन्होंने अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लिया और धीरे से शिफ्ट कर गए